दिक्कतें आई हैं ये सामने आने लगा था। पहला दिक्कत तो तब आया जब स्टूडेंट्स ने ये बताया कि फिजिक्स का एक सवाल जो पेपर में नीट के एग्ज़ाम में आया था वो सवाल गलत था। तो 27,000 स्टूडेंट्स ने लगभग क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद लगभग 13,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एक फिजिक्स के सवाल पे एनटीए को भेजा था, लिखा था कि इस सवाल का आंसर एनटीए के आंसर की में गलत है। जिसके बाद ऐसा हुआ कि एनटीए ने और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया और वो जो नंबर 18 होता था वो बढ़ करके 41 हो गया। AIR 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 14 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स से ये कंप्लेंट्स आए कि अलग अलग जगह पर पेपर लेट से दिया गया है। यह तमाम दिक्कतें हुई हैं जिसके बाद एनटीए ने एक अननोन फार्मूला से, जो शायद सिर्फ एनटीए जानता है और कोई जानता नहीं है, और जब आप लोग भी जर्नलिस्ट के भी साथ जर्नलिस्ट साथी भी उनसे पूछते हैं कि वो क्या फार्मूला है जिसके तहत आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं होता है। और इन ग्रेस मार्क्स या कॉम्पेंसेटरी मार्क्स जो स्टूडेंट्स को दिए गए हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जिनका AIR 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, वो बढ़ करके 67 हो जाता है। इन जो AIR रैंक 1 स्टूडेंट्स हैं उसमें भी आप तमाम डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं। आप देखते हैं कि एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स लगातार एक ही लिस्ट में उनका AIR 1 होता है। आप देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स उनमें अपीयर होते हैं जिनको कि इम्पॉसिबल मार्क्स मिले हुए हैं। जो फॉर्मूला नीट में फॉलो होता है कि अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो -5 हो जाता है, उसको वायलेट करके स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हुए हैं। तो इन सब तमाम इशूज़ पे स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी एक प्रोटेस्ट था, परसों भी एक प्रोटेस्ट था, पिछले पूरे हफ्ते लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं, और यहाँ पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। आप भी बहुत सारे जर्नलिस्ट साथी हम मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिनको हम लगातार मिल रहे हैं इन प्रोटेस्ट्स में। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना इसलिए भी ज़रूरी समझ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सेकेंड डेट दी गई है हियरिंग की वो 8 जुलाई दी गई है, लेकिन उससे पहले सेंटर ने ये कहा है कि जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिला है उन स्टूडेंट्स का हम रीनेट करवाएंगे। और हर जगह कुछ कुछ जगह खबर फैल रही है कि स्टूडेंट्स इससे बहुत खुश हैं, अब वो वापस आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, रिमांड्स रेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लगातार जब ग्राउंड पे जाते हैं हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। अगर हमारा कोई डिमांड है तो एक डिमांड है कि रीनीट फिर से हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो नीट के एग्ज़ाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है, वो ये है कि NTA लगातार जिस एग्ज़ाम को छूता है उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, उस एग्ज़ाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्ज़ाम में सीट बेची जाती है, उस एग्ज़ाम में धांधली होती है। तो NTA एक ऐसा बॉडी है जो कम्प्लीटली अनएबल है किसी भी नेशन वाइड एग्ज़ाम करवाने के लिए। नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर लीक होता है, CUET UG और PG में हम देखते हैं कि सेंटर्स किसी भी तरीके से अलॉट किए जा रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 4 घंटा पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इशू हो रहा है। जिन सेंटर्स पे उन्होंने अप्लाई किया है, अपना चॉइस दिया है ऑफ सेंटर्स, उनके अतिरिक्त और सेंटर्स में दिया है जो उनके घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो इन तमाम इशूज़ जो पहले भी सामने आते रहे हैं उनको भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाईलाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच में आज ISA के नेशनल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत हैं जो इन इश्यूज से स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत में स्टूडेंट के मुद्दों पे बोलते रहे हैं। वो हमारे एक पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ JNU SU के JNU SU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय हमारे बीच में है। कॉमरेड धनंजय भी लगातार इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और स्टूडेंट से बातचीत में रहे हैं। हमारे साथ कुछ एप्लीकेंट्स, उनके फैमिलीज़ भी आए हुए हैं, कुछ एप्लीकेंट्स अभी रास्ते में हैं। हमारे साथ मानस है जो जिन्होंने इस बार पहली बार अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, और लगातार जिन ग्रुप्स में इसको लेकर के ट्विटर स्टॉर्म हो रहा है, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मानस। हर्ष एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनके बहुत अच्छे नंबर भी आए थे, और अगर ये पूरा स्कैम नहीं हुआ होता नंबर को लेकर के, कॉम्पेंसेटरी मार्क्स को लेकर के, आर्बिट्री एलोकेशन को लेकर के, तो उनका एडमिशन इस बार तय था ही। वो हर जगह प्रोटेस्ट में भी मौजूद रह रहे हैं। उनके भाई रॉबिन हमारे साथ आए हुए हैं जो पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार हर प्रोटेस्ट में मौजूद रह रहे हैं, हर ट्विटर स्टॉर्म में, प्रेस से बातचीत में मौजूद रह रहे हैं। तो रॉबिन हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। पहले मैं इन्वाइट करूँगी कॉमरेड धनंजय को कि वो आए और अपनी बात रखें।
यहाँ मौजूद तमाम मीडिया के साथियों को बहुत शुक्रिया आने के लिए कि ऐसे वक्त में कि जब कुछ छात्र सपने देखते हैं कि मेडिकल में जाने का नीट के एग्ज़ाम के ज़रिए और स्कैम होता है और छात्रों के सपने टूट जाते हैं और यही देश भर में चर्चा चल रही है कि 4 जून को रिज़ल्ट आया और उसके बाद नीट के छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई ग्रीस मार्क्स के नाम पर और उसके साथ साथ जो बार बार आप कह लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान वो बोल रहे हैं कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है जबकि बिहार में ये घटना आई है पेपर लीक की कंप्लेन भी हुआ है और ये भी हमारे सामने है लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक को ये बहुत प्रायोरिटी के साथ नहीं रख रहे हैं और लेकिन नीट के एग्ज़ाम को लेने वाला जो है और जो सबसे प्रमुख कल्प्रिट है उसका नाम है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NTA सिर्फ नीट का एग्ज़ाम नहीं लेता है उसके साथ साथ और कई एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करवाता है कह लीजिए 2017-18 के बाद से NTA के हिस्से NTA के जिम्मे पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया है और साल दर साल हर एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ NTA के द्वारा देखी गई चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो चाहे वो JEE मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे JEE का एग्ज़ाम हो और नीट का भी एग्ज़ाम हो ये तमाम जगह हमने देखा कि हर जगह NTA ने गड़बड़ी की लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है जो मौजूदा सरकार है NTA को सराखों पर रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करती है उस पर आप देखे होंगे इसी केस में कि जो जिस NTA के ज़रिए स्कैम होता है जिस NTA ग्रेस मार्क जैसा फर्जी चीज़ लेकर आता है और बिना किसी फार्मूला के बिना किसी चीज़ के वो लेकर आता है ग्रेस मार्क्स को और जब वो कोर्ट में जाता है तो जो NTA के प्रमुख हैं NTA के चेयरपर्सन हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है उसके जांच करने की मतलब जो गुनाहगार है जो कातिल है उसी को जिम्मा दिया गया है कि जज बनने का वही जज करेगा वही फैसला करेगा तो ये चीज़ हमारे सामने आई हमने देखा कि आज के वक्त में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम हैं CUET UG हो गया CUET PG हो गया इसके साथ साथ PhD हो गया उसके साथ नेट हो गया ये तमाम एग्ज़ाम को NTA ले रहा है और हर एग्ज़ाम को एक जैसा बना देना आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश भर में चल रहा है कि एक देश एक वोट एक देश एक रंग एक देश एक भाषा एक देश एक खाना इस तरह का चल रहा उसी तरह से चाहते हैं एक देश एक एग्ज़ाम के तहत काम करना कि एक देश में दाल भात सब एक साथ बराबर कर देना और इसी को लेकर हम बार बार यूनिवर्सिटीज़ में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ नीट का सवाल नहीं ये पूरा का पूरा परीक्षा का जो सिस्टम सरकार ने बनाया है और पूरा का पूरा जो जिम्मा दिया है NTA को उस पूरे जिम्मे पर सवाल है कि वो तमाम एग्ज़ाम को इसी तरह फॉर्जरी के तौर पे ले रहा है आप देखिएगा कि आज के वक्त में हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते मैं JEE में पढ़ता हूँ अब देखिएगा कि हमारे सारे जो PhD के एग्ज़ाम होते थे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एग्ज़ाम होते थे एक स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम दे सकता था 3 रास्ते होते थे उसके आने के लिए कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री में तो मैं जाकर PhD में पॉलिटिकल साइंस में भर सकता हूँ SIS के भी इंटरनेशनल स्टडीज़ के भी किसी कोर्स में फॉर्म भर सकता हूँ और एक और कोर्स में मैं भर सकता हूँ फॉर्म कोई इंटरडिसिप्लिनरी कोई कोर्स हो उसमें भी भर सकता हूँ लेकिन आज इन्होंने क्या किया आज इन्होंने सरकार ने बोला UGC ने बोला कि अब सारा एग्ज़ाम एक ही होगा नेट का एग्ज़ाम कि आप नेट के ज़रिए ही आप कहिए कि आपका एडमिशन होगा अब नेट का तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है तो उन्होंने क्या किया कि अब 16 तारीख को नेट कर ले नेट का एग्ज़ाम है और लोगों के रास्ते जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के रास्ते होते थे जो सपने देखते थे उसको बंद कर दिया उस गेट को ही बंद कर दिया और ये एग्ज़ाम भी लेने वाला कौन है NTA ही है नेट का एग्ज़ाम आप देखेंगे आपको एक घटना मैं बताता हूँ 2020 की एक घटना है एक लड़की है विधि सूर्यवंशी नाम की है वो छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा की रहने वाली है
होता क्या है कि जब एग्ज़ाम देती है नीट का, तो उसका शो होता है 6 मार्क्स 6 मार्क्स, जबकि वो बहुत अच्छा करती है उस एग्ज़ाम में, और मजबूरन जितना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि कम मार्क्स लाने का, उस पर भी था, वो सुसाइड कर लेती है। और जब रीचेक होता है जब एन टी ए के द्वारा, तो उसको 590 अंक आए थे। तो ये है एन टी ए। इसी के साथ और भी ऐसी घटनाएं हैं, दो दो घंटा लेट एग्ज़ाम करवाना, लोगों की ट्रेन है, कोई उसको मतलब नहीं है। आपको पता होगा पिछले ही साल एन टी ए जो मास्टर्स का एग्ज़ाम लिया, उसमें 50% ट्राइबल स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाए, देने ही नहीं जा पाए। महिलाएं मोर देन 30% लड़कियां एग्ज़ाम लिखने नहीं जा पाएं। तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर जो प्रायोरिटी में होता है उसमें दे देना एग्ज़ाम, दो दो दिन पहले एडमिट कार्ड देना। तो हमारी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि जो सिलसिलेवार ढंग से दोषी है, जो सिलसिलेवार ढंग से अपराधी है, उसको ख़त्म किया जाए, उस एनटीए को ध्वस्त किया जाए। और जिस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता था, आप देख रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के पास एक ऑटोनॉमी थी कि अपना एग्ज़ाम वो खुद लेती थी, नीट भी जेई भी उनकी भी एक ऑटोनॉमी थी कि वो अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाते थे। ये बीच में एक नया, कह लीजिए शुद्ध भाषा में इसको दलाल बोलते हैं, वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी सरकार को, लेकिन आज हर चीज़ कह लीजिए स्कैम का भी एक नया तरीका है, स्कैम करने का भी एक नया तरीका है जो एनटीए है। तो सरकार से यही मांग है हमारी कि जितने नीट के अभ्यर्थी हैं उनका एग्ज़ाम दोबारा हो, और हालांकि उसके साथ एनटीए को निरस्त किया जाए, जो पैटर्न है पुराना उस पे एग्ज़ाम हो, और छात्रों को जितने सालों से मेहनत किए हैं नीट के लिए उनको कंपनसेट किया जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहित। अब मैं चाहूंगी कि जो हमारे बीच में एप्लीकेंट्स आए हुए हैं वो यहाँ पे आकर के अपनी बात रखें। पहले मानस अपनी बात रखें, यहाँ पे सबके बीच में आ जाइए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 1563 स्टूडेंट्स का प्री एग्ज़ाम होना चाहिए, पहली बात तो ये कि इससे कोई सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं निकलता है। और जहाँ तक बात रही एनटीए की, तो उस पर भी मैं आता हूँ। पहले आप ये बात खुद सोचिए कि अगर 1563 स्टूडेंट्स को जो एनटीए के अकॉर्डिंग है उनको ग्रेस मार्क्स मिलता है, और 2330,000 अगर टोटल स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल भी है कि सिर्फ 0.06% बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता है और उसकी वजह से रैंक में इन्फ्लेशन 500% तक बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मेरा ये फर्स्ट ईयर, मेरा एक फर्स्ट ड्रॉप था और फर्स्ट अटैम्प्ट भी था। मैंने 12th के साथ कोई नीट का नीट मैंने 12th के साथ नहीं दिया था, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और फर्स्ट अटैम्प्ट भी था। तो मेरे को खुद पता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, और मैं तो उनको जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे 4 साल 5 साल ड्रॉप करके जो मेहनत कर रहे होंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो कितने ज़्यादा किस लेवल पे मेंटली अभी खुद को डिस्टर्ब करके बैठे होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये कि जैसे जब 4 जून को रिजल्ट आता है, तो पहली बात कि एनटीए अपने आप को ग्रेस मार्क्स बताता नहीं है, पहले भी नहीं बताता, बाद में भी नहीं बताता। एनटीए की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी स्टार्टिंग से आ रही हैं, स्टार्टिंग से मतलब उन्होंने कभी सिलेबस को ढंग से डिफाइन नहीं किया, रिजल्ट को उन्होंने मैन्युफैक्चर ही किया है, वो एक तरह से वो निकाला नहीं है, ना बनाया है, ना चेक किया है, वो मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट में उसे बोलूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जैसे रिजल्ट में क्या हुआ कि जब 4 जून को रिजल्ट आता है, तो हम ये सवाल करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कि 718 719 जो मार्क्स है वो कैसे आए, तो एनटीए बोलता है ग्रेस मार्क्स। वो एनटीए का कोई रीज़न नहीं था, वो एक्सक्यूज था, ग्रेस मार्क्स का रीज़न दिया। उसके बाद एनटीए ने अपने 3 नोटिसेस में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए के डायरेक्टर ग्रेस मार्क्स को डिफाइन करते हैं कि ये सही है, हमने एफिशिएंसी को मैच किया है, हमने लाइक हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है, हमने कैमरा के थ्रू चेक किया है, ये सब किया एनटीए ने, ये सब बोला। बट जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो एनटीए ने अपने आप को जस्टिफाई करना भी ज़रूरी नहीं समझा। एनटीए ने बोला कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो उनको हम
उनका हम दोबारा एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम 50-60 स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम करवा लेते हैं, पर अगर जो मैंने स्टैटिस्टिक्स सामने बोले कि 500% से रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये सिर्फ दो ही केस में पॉसिबल है। पहला, जो कि हम जिसके एविडेंस बहुत ज़्यादा इस वक्त हैं ऑलरेडी, वो है मास पेपर लीक, क्योंकि उसकी FIR भी है, एविडेंस भी है, स्टूडेंट्स ने खुद कबूल भी किया और पुलिस के पास भी प्रूफ है। सेकेंड चीज़ कि जो कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका जो एक्चुअल नंबर है वो 1563 नहीं है, क्योंकि अगर वो 1563 है तो रैंक में इन्फ्लेशन उसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके बाद ये, जैसे अगर NTA ने 1563 स्टूडेंट्स को अगर ग्रेस मार्क दिया तो वो लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे दिया, तो लॉस ऑफ टाइम तो लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। NTA 2019 से एग्ज़ाम करवा रहा है, तो ग्रेस मार्क्स और लॉस ऑफ टाइम बेसिकली तो वो तो पहले भी हुआ था। बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर हमने सवाल नहीं किया था, क्योंकि किसी बच्चे के 718 या 719 मार्क्स नहीं आए थे। तो ये मेरा ये क्वेश्चन एक बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि क्या NTA हमारा एग्ज़ाम ले रही है, डॉक्टर्स हमें बना रही है, डॉक्टर्स बनने की हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, या फिर कोई बिजनेस कर रही है कि मतलब उनके खुद के रूल्स चलेंगे, वो मतलब खुद के ही कुछ भी ग्रेस मार्क्स करेंगे, खुद के ही कुछ भी करेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला कि सेंटर्स पे लॉस ऑफ टाइम हुआ, लेकिन सेंटर्स के जो प्रिंसिपल थे उनका तो ये कहना था कि यहाँ पे हमारे स्कूल में कोई भी लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ, तो वो क्या है। उसके बाद फिर जो मोस्टली एस्पिरेंट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं अपने रेजिडेंस से अपने सेंटर की तरफ, तो झज्जर में ही ऐसा प्रॉब्लम था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 200 किलोमीटर से ज़्यादा तक का भी डिस्टेंस ट्रैवल किया अपने रेजिडेंशियल एड्रेस से, तो ऐसी क्या मजबूरी थी। और ऐसे क्या सारे कोइंसिडेंस एक ही साल एक ही जगह होने थे कि मतलब रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होता है, मास पेपर लीक होता है, ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं वो भी छुपा के, फिर 1563 स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं, फिर तुम मतलब 3 नोटिसेस में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को जस्टिफाई करते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके तुम अपनी हार मान लेते हो कि हाँ तुम्हें दिक्कत है हम दोबारा करा लेते हैं। नहीं, हमें इंक्वायरी चाहिए, उसमें ये साबित हो सके कि एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है, इनका इंटरनल मैटर। NTA ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि हम एक इंटरनल कमेटी बनाएंगे जो कि इस चीज़ की जाँच करेगी। इंटरनल कमेटी में जो NTA के डायरेक्टर हैं उन पर नीट स्कैम का आरोप था, और उस इंटरनल कमेटी के जो हेड हैं वो भी डायरेक्टर ही बन गए। मतलब एक तरह से जो चोर था वो अपनी चोरी के लिए खुद जज बन गया, तो वो अपने आप को कभी सजा क्यों देगा। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल तो है नहीं। और उसके बाद फिर ये मतलब NTA को, अब NTA डेफिनेटली बात है कि केपेबल तो बिल्कुल भी नहीं है एक मास लेवल पेपर कराने के, लेकिन इनको थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये देख नहीं रहे कि हम 17-18-19 साल के बच्चे सड़क पे आ गए हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, और हमें एक इंसाफ चाहिए, मतलब एक बेसिक मौका कि हम अपनी मेहनत से अपना एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम दें, उस एग्ज़ाम को निकालें अपनी मेहनत से। अगर मेहनत के बाद नहीं होता तो वो गलत नहीं लगता, लेकिन अगर हमने मेहनत भी करी, हमने पूरा एक साल भी रिग्रेट किया है, क्योंकि NTA के लिए तो ये सिर्फ एक साल का मैटर है कि हाँ चलो एक साल में ऐसा हुआ, नेक्स्ट ईयर हम कुछ और कर लेंगे, फिर कुछ और कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो भी जाता है इनकेस, तो मेरे को तो फिर पूरी लाइफ ये रिग्रेट रहेगा ना कि मैंने उस एक साल 2023 में पूरी मेहनत करी, अपना हार्डवर्क दिया, 12-16 घंटे पढ़ाई करी, मतलब मेरे को ही पता है वो चीज़ इंटरनली, तो मेरे को उस मेहनत करने के बाद भी जस्टिस नहीं मिला क्योंकि NTA में चोर बैठे हुए थे, तो ये कैसे पॉसिबल है। और यही कहूँगा कि इस वक्त तो मेरे को सिर्फ जस्टिस की उम्मीद है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद कही कि उनका काउंसलिंग के ऊपर पूरा पावर है कि काउंसलिंग होने के बाद भी वो उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बेटर है। और इसका लास्ट जो सोल्यूशन निकलता है वो डेफिनेटली रीनीट ही निकलता है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू। रॉबिन पिछले डेढ़ हफ्ते से जो हो रहा है अपने पापा के साथ और अपने भाई हर्ष के साथ, जो आपके दिन हैं उनके साथ हर जगह जा रहे हैं, पूरे दिल्ली भर में जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पे कोई भी कॉल है, मानस रॉबिन अपनी बात रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मैं नेहा मैम को, जिन्होंने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम लोग कहते हैं कि हम देश की पूरी दुनिया में जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं NTA जैसे संस्थान जब हमारे एग्ज़ाम करा रहे हैं कि हम अपने बच्चों के एग्ज़ाम ठीक से नहीं करा पा रहे, हम उनको अच्छे से डॉक्टर नहीं बना पा रहे हैं। आप एक बच्चा इतने लाखों रुपया लगा करके जो है मेहनत करता है, कोटा में पढ़ता है, और कोई भी एक लास्ट में पैसे वाला आदमी आता है 25-30-60-50 लाख रुपये देता है और उस बच्चे की सीट को जो है छीन लेता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमने कल डॉक्टर वो धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, तो उन्होंने कहा ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है
इस पे हम सीबीआई इंक्वायरी बैठाएंगे। इसके बाद जो ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है, जो एनटीए ने कहा कि लेट होने पर जो है स्टूडेंट को कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जबकि नीट परीक्षा इतने सालों से हो रही है, इस तरीके से पहले कभी भी नहीं हुआ। पहले सिर्फ ऐसा हुआ है, ये तो एक ऑफलाइन एग्जाम है, इसको तो यदि बच्चा 5 मिनट लेट आ रहा है तो उसको आप लास्ट में 5 मिनट दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर जो धांधली की गई है वो यहाँ की गई, जो ओएमआर सीट होती है हमारी, उसमें बच्चों से कह दिया गया है कि आप सिर्फ 20 या 30 कॉलम भर दीजिए, बाकी जो है एनटीए में जब ओएमआर सीट आएगी उसको निकाल करके हम ऊपर से भर दिए जाएंगे। तो हमने उनसे ये भी डिमांड की है कि जो ओएमआर सीट होती है उसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए, यदि बच्चा फिजिक्स के 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहा है तो उसमें वो लिखे ओएमआर सीट में कि मैंने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, बॉटनी के इतने, जूलॉजी के इतने, इस तरीके से। और वहाँ पे जो इनविजिलेटर होगा उस पर वो सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो एमआर सीट क्लासरूम से बाहर जाएगी। इस तरीके से हम धांधली से रोका जा सकता है इस तरीके से। और यहीं पर जो है स्कैंडल हुआ, इतना बड़ा जो स्कैम किया है एनटीए ने, और अब एनटीए की जो संस्था बैठी है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, मतलब बिल्ली से कहा गया है कि आप अपने दूध की सुरक्षा खुद से करिए, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है क्या? तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एनटीए पे जो है सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जल्द से जल्द बच्चों का जो है फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों की बात नहीं है, ये 24 लाख परिवार की बात है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ 2024 में दिए गए स्टूडेंट के साथ ही हो रहा है, नहीं, ये आने वाले टाइम में भी होगा। वो बच्चे यदि नहीं जागे, जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं वो फिर लास्ट में 2025 में जब नीट एग्जाम होगा 25-30 लाख रुपए कोई बंदा देगा और उसकी सीट को जो है ले जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच रॉबिन। अब मैं चाहूँगी कि आयसा के नेशनल सेक्रेटरी कमल प्रसन्न जी का है और हमारे बीच में अपनी बात करते हैं, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग छोटे पॉकेट्स में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट को आगे ले जाने के लिए एक संयुक्त रूप से कैसे मूवमेंट बनाया जा सकता है ताकि एनटीए को बराबर अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, इस पर अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया। हमने नीट एप्लीकेंट्स को भी सुना, हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष धनंजय को भी सुना। हम लोग ये बात साफ साफ देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, पूरे शिक्षा व्यवस्था से एक ज़बरदस्त दुश्मनी की तरह व्यवहार कर रही है और वो लगातार इस बात को हम लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि जब से नई शिक्षा नीति लागू की गई, एनटीए को पूरे देश भर के एग्ज़ाम को का अथॉरिटी दे दिया गया और उसके जरिए पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की पूरी प्रक्रिया आज हम देख रहे हैं कि आज हम नीट के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, नीट के अंदर कैसे सेंटर मैनेज करके स्टूडेंट के रैंक को बढ़ाया गया है, ग्रेस मार्क्स से लेकर के तमाम तरह के करप्शन के हमारे सामने हैं। उसके साथ साथ एनटीए नेट के अंदर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है प्रोफेसर के लिए, उसके अंदर भी करप्शन हमने पिछले दिनों देखा, जेआरएफ मार्क्स के लाने के लिए। इसी तरह सीयूईटी के अंदर, सीयूईटी जो एनटीए कंडक्ट कराती है उसके अंदर इस तरह के की समस्याएं आई। तो लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि एक निजी कंपनी के हाथों पूरी शिक्षा व्यवस्था को, एग्जामिनेशन को ये जो मोदी सरकार दे दी है, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। और इसीलिए हम ये बात साफ साफ आज कह रहे हैं कि नीट में फिर से एग्ज़ाम हो, छात्रों के साथ जस्टिस इंश्योर हो, जो छात्र आज देश भर में आंदोलन में हैं उनके साथ न्याय हो, नीट की पुनः एग्ज़ाम लिया जाए और एनटीए जो पूरे इसके जिम्मेदार है, जो पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस स्टूडेंट का कह रहा है, और इसीलिए पूरे सोशल मीडिया से लेके देश भर में ये बात चल रही कि स्क्रैप एनटीए ख़त्म करो, नीट को फिर से एग्ज़ाम लो और शिक्षा को बचाओ, इस तरह का पूरा एक देश भर में माहौल बना हुआ है। हमने देखा कि देश के अन्य हिस्सों में भी आयसा भी सड़क पे है, पूरे देश भर में हम लोगों ने देशव्यापी प्रतिवाद किया, हम दिल्ली के अंदर हम लोगों ने आंदोलन किया और भी संगठन, और भी छात्र संगठन देश भर में आंदोलन में हैं। स्वतस्फूर्त स्टूडेंट आकर के सामने से आकर के स्टूडेंट आज जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बतौर आयसा हम लोग इस आंदोलन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग पूरे इस यूनिवर्सिटी में, देश भर के इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोग री नीट, स्क्रैप एनटीए, सेव एजुकेशन,
ये पूरा इस स्लोगन के साथ हम लोग कैंपेन करने जा रहे हैं और इस कैंपेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में और जो नी एनटीए से अफेक्टेड एग्जाम्स है किसे अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके बीच हम लोग अभियान चलाएंगे आने वाले पूरे एक सप्ताह और आने वाले 19-20 जून को हम लोग तमाम देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं ऐसे संगठनों से हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं उनसे बात कर रहे हैं, नीट एप्लीकेंट्स से हम लोगों की बात हो रही है और भी जगह बात हो रही है और उस सब को मिला करके हम लोग देशव्यापी स्टूडेंट यूथ का हड़ताल होगा 19-20 दो दिन हम लोग देशव्यापी प्रतिवाद में जाएंगे और पूरे देश भर में, चूँकि हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि एनटीए शिक्षा एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हम लोग पिछले दिनों भी प्रोटेस्ट के दरमियान ये बात कहा लेकिन शिक्षा मंत्री अभी भी अपने एजेंडे पे अपने जो करप्ट जो एनटीए है उसको बचाने में लगी हुई है, शिक्षा छात्रों के सवालों को सुनने के बजाय, छात्रों के कंसर्न को सुनने के बजाय, उसको हल करने के बजाय वो एनटीए को बचाने में लगी हुई है, करप्शन को बचाने में लगी हुई है। इसीलिए साफ साफ मोदी सरकार इसके कटघरे में है, धर्मेंद्र प्रधान इसके कटघरे में है और इसीलिए पूरे देश भर में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन करेगा छात्र और ये 19-20 को पूरे देश भर में देश के तमाम यूनिवर्सिटी में तमाम सेंटरों पे हम लोग धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन पूरे देश भर में प्रतिवाद का आयोजन करेंगे। ये हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात कहना चाह रहे हैं और भी छात्रों के न्याय के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, जो भी आंदोलन में शामिल होना होगा, हम लोग इसको मजबूती से करने का काम करेंगे क्योंकि ये समय है कि शिक्षा को बचाने के लिए एनटीए जैसे संस्थान को ये जो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको ख़त्म करना होगा, तभी हम एक फुल फेयर और डाइवर्सिटी से भरा हुआ जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्ज़ाम सिस्टम है, उसको हम बहाल कर पाएंगे। यही बात हमें कहनी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नीस और बीस दो दिन हम लोग तय किए हैं कि दो दिन में पूरे देश भर में जितने यूनिवर्सिटी में आईसा का काम है, जितने भी यूनिवर्सिटी में और भी छात्र आंदोलन, अभी हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर, हम देख रहे हैं कि केरला के अंदर बड़े पैमाने पर आज प्रोटेस्ट हो रहा है, लखनऊ बिहार यूपी के अंदर पूरे देश भर में जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ भी यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हमारा दिल्ली के अंदर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार के अंदर है जो पिछले दिनों भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको और इंटेंसीफाई हम लोग करेंगे और ये सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम हम लोग करेंगे क्योंकि सरकार इसके जिम्मेदार है। So in that context, your agitation will continue or you will be wait for the Supreme Court decision? नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हम लोग सरकार से, सरकार इस संस्था को बनाई है, सरकार ने इस गैर जिम्मेदार संस्था के हवाले पूरे एजुकेशन सिस्टम को कर दिया है और आज वो जिम्मेदारी से भी भाग रही है। हम कह रहे हैं साफ साफ एनटीए का आप जांच कराइए, सीबीआई जांच की मांग हमने देखा है स्टूडेंट्स कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम आपके से ही हम बात करेंगे, आपसे सरकार जनता सवाल पूछेगी।